हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है संडे और आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। और यहाँ मैंने देखिए प्याज इसमें डाल दिया है, फ्राई हो रहा है प्याज अभी। और एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, बच्चे अभी अपना देखिए ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तो इधर मैंने मसाला भी इसमें डाल दिया है। तो आज संडे है तो बच्चों का मन था कि मम्मी आज मैक्रोनी बना दो नाश्ते में, क्योंकि मैं ये डेली नहीं बनाती हूँ। डेली तो मैं सिर्फ पराठा सब्जी ही बनाती हूँ। तो ये चीज़ें कभी कभार ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें नुकसान करती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मन होता है कोई चीज़ खाने का तो बना लेते हैं अपना घर में ही। तो यहाँ मैं मैक्रोनी देखे बना रही हूँ। मैंने सिर्फ हल्के ही मसाले इसमें डाले हैं, क्योंकि मसाला वाली तो मैं भी नहीं खा पाती हूँ और ना मेरे बच्चे खाते हैं, तो इसलिए मैंने हल्के ही मसाले डाले हैं। क्योंकि ये मेरी मम्मी जी को भी अच्छी लगती है मैक्रोनी, तो मम्मी ने बोला था कि यार थोड़ा मैक्रोनी बना दो नाश्ते में। तो चलते हैं इधर, नाश्ता देखिए मेरा रेडी हो चुका है और एक तरफ मैंने इधर चाय बनने के लिए भी रख दी है। अब चलते हैं, नाश्ता लगा देते हैं सभी को। और यहाँ मैंने सभी को नाश्ता लगा दिया है। और ये मेरी खुशी देखिए सुबह नहा के बैठी है और अपनी दादी के साथ इसने पूजा भी कर ली है। देखिए गाल पे इसने राधे राधे लिखवाया है दादी से। तो मैंने यहाँ नाश्ता लगा दिया है और मम्मी जी भी बैठी हैं गौरी को लिए। गौरी देखिए सो रही है अभी, उसका सुबह सोने का ही टाइम होता है और दिन रात में बिल्कुल जगती रहती है। तो गाइस आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है संडे, आप सभी को हैप्पी संडे। तो गाइस नाश्ता हो गया है, नाश्ता मैंने आज जल्दी बना लिया था। तो आज मैंने मैक्रोनी बनाई है नाश्ते में, तो नाश्ता हो गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले थोड़ा सफाई कर लेते हैं, क्योंकि एक हफ्ता हो गया घर में आए हुए नाव में, तो थोड़ी सफाई कर लेते हैं। वैसे तो पूरी धुलाई हो गई, बस थोड़ा वॉशरूम और वॉश बेसिन रह गया है थोड़ा सा साफ़ करने के लिए। वैसे तो मैंने पहले ऐसे ही साफ़ करते था, आज थोड़ा हार्पिक डाल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे और फिर उसके बाद नहाने चलते हैं। और मुझे बाल भी धोने हैं, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। रेस्ट भी कब तक करेंगे समझ में नहीं आता है कि रेस्ट करें तो ज़्यादा। अब वही अकेले हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब मम्मी भी जी हैं, मम्मी जी खाना ना बना लेती हैं, हम थोड़ा बहुत अपना ऐसा काम कर लेते हैं। तो चलते हैं, पहले थोड़ा सफाई कर देते हैं। मैंने इसमें देखिए हार्पिक डाल दिया है और हार्पिक से ये पूरा क्लीन हो जाता है। मैंने इसमें हार्पिक डाल दिया, थोड़ा खोल जाए तब इसे सफाई करेंगे और फिर उसके बाद वॉशरूम साफ करेंगे। उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए और बाल अल्फी धोने हैं मेरे को। और फिर उसके बाद हम बनाएंगे खाना। और खाने में मम्मी जी कह रही हैं हल्का खाना बना लेना, क्योंकि मैं तो अपने लिए दाल ही बनाऊंगी होंगी। और मम्मी जी कह रही हैं कि तहरी बना देना, जब भूख लगेगी तब गर्म गर्म तहरी बनाएंगे। तो चलते हैं, पहले सफाई कर लेते हैं थोड़ा और बस फिर मिलते हैं आपसे आगे की वीडियो में। सारा साफ़ कर दिया, कितना क्लीन हो गया। हाथ ही डालने से बहुत अच्छा साफ़ हो जाता है। तो गाइज़ मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने सारी सफाई भी कर दी है आज। धुलाई तो पहले जब मम्मी आई थी तब हो गई थी धुलाई सारी पूरे मकान की। तो हे गाइज़, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और आज मैंने बाल भी धो लिए हैं, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सफाई करी थी वॉशरूम वगैरह और वॉशरूम की और वॉश बेसिन की। इस वजह से थोड़ा मैं जब भी वो साफ़ करती हूँ तो मैं बाल ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं रहता है ना। तो आज संडे भी था तो इसलिए मैंने सोचा आज संडे भी है तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सफाई भी कर देते हैं। अब रेस्ट भी हम कब तक करेंगे, क्या करना है? अब मम्मी भी है थोड़े दिन के लिए, मम्मी भी घर चली जाएगी तो मुझे तो घर का थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा देर ना बैठ ही रहूँ, लेट ही रहूँ, तो थोड़ा बहुत अपना काम मैं धीरे धीरे करती रहती हूँ खाना का। और वैसे भी तो मैंने आज सफाई कर ली है सारी और बाल भी धो लिए हैं। और बाल मैंने अभी खुले इसलिए रखे हैं क्योंकि बाल भी मेरे थोड़े नीचे साइड से गीले हैं ये, और ऊपर सूख गए सारे बाल। वे बाल मैंने अभी गीले हैं अभी सारे, देखिए बिल्कुल सुलझा लिए हैं, क्योंकि अभी बाबू भी सो रही है मेरी, फिर वो दूध पिएगी तो फिर उसे नुकसान करेगा। तो इसलिए मैं सोच, मम्मी ने बोला है कि बाल अपने खुले रखना और जब तक सूख जाएंगे उसके बाद में ही दूध पिलाना है। तो तभी मैं ऐसी बैठी हुई हूँ। तो अब चलते हैं खाना बना लेते हैं और खाने में बनाऊँगी आज तहरी। तो और यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है तहरी की। तो अभी इधर मैंने कुकर भी रख लिया है, इधर चावल धो के रख लिए हैं मैंने, और ये मैंने तीन चार आलू काटे, क्योंकि तहरी में आलू बहुत अच्छे लगते हैं।
और इसमें बस प्याज लहसुन और हरी मिर्च काटी है। तो चलते गए छौंक देते हैं तैयारी को पहले। और इधर एक तरफ मैं इधर बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। तो इधर मैंने दो टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्च ले लिए हैं और इसमें डाल दिया है नमक और लहसुन। 4 से 5 के लिए मैंने लहसुन डाला है और तैरी के साथ खिचड़ी के साथ टमाटर की चटनी। तो चलिए गाइस, खाना मेरा बन के रेडी हो चुका है और यहाँ तैरी बन के रेडी हो चुकी है। तो इधर खाना भी लगा दिया है मैंने और चटनी है तैरी। और यहाँ मम्मी जी भी देखिए खा रहे हैं खाना बाबू को गोदी लेके। और देखिए टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं दिन के। तो चलिए गाइस खाना खा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए।